पहले आधे अधूरे ओपीडी का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा करवाया गया, तो अब आधे अधूरे सुविधाओं वाले एम्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाया जाएगा। भाजपा अपना हित साधने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा पूरी तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा की अधिकतर रैलियों का खर्च सरकारी खजाने से किया जा रहा है। ऐसे कई आरोप पूर्व कांग्रेस मंत्री व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने भाजपा सरकार पर लगाए। लोकल लोगों को ठगने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है और कुछ जो है वो लोकल लोगों को लाने के लिए सबको सरकारी खर्चे पे जो है ना वहाँ पे लाया जाता है। उनका गाड़ियों का इंतजाम भी है, उनके खाने का पैकेज लंच का इंतजाम भी है, जो भी है। फिर पीने का पानी के ऊपर ही जो है वो 75 रैलियों पे जो है ना लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कुल मिला के चुनाव को आते देखकर ये अपने जयराम ठाकुर जी अगर 75 रैलियाँ करेंगे एक कंपनी को जिसको इन्होंने जो है ये बड़े बड़े जो टेंट लगाने का कार्यक्रम जो है ना दे रखा है वो 40 लाख से 45 लाख के बीच में ये उस कंपनी को एक कार्यक्रम का देंगे। फिर वो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ओवरहेड्स होंगे वो और भी खर्चा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सारे 75 रैलियाँ हो रही हैं ये 70-75 करोड़ रुपए जो है वो एक रैली के ऊपर खर्च होगा एंड दिस ऑल विल बी चार्ज टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है सरकारी खजाने के ऊपर जो है ये बोझ डाल के चुनाव की जो है वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी हुआ था बिलासपुर में, यहाँ पे हमारे कहलूर स्टेडियम में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए थे और वहाँ पे बहुत सारे आधारशिलाएं रखी गई, उसमें एम्स की भी आधारशिला रखी गई थी। और वहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम है उसकी दीवार के ऊपर जो है वो सारी प्लेटें लगाई गई और फिर उससे आगे 10 फुट के उसमें आगे जाके जो स्टेडियम का जो हमारे जो फुटबॉल स्टेडियम बना है वो भारतीय जनता पार्टी की रैली का आयोजन हुआ, क्योंकि सब जगह जो है ना भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बोर्ड भी लगे थे, झंडे भी लगे थे और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे रैली को एड्रेस किया। इट वॉज ए बीजेपी रैली और वो खर्च था सरकार का और वो जाके प्रधानमंत्री वहीं से उठ के वापस चले गए। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा चुनाव से पहले पहले अब बिलासपुर में जो एम्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन रहा है उसका उद्घाटन जो है वो आनन फानन में ये अधूरे काम का उद्घाटन करने के लिए अगले महीने के लास्ट वीक से पहले पहले प्लानिंग हो रही है कि प्रधानमंत्री को दोबारा ला। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।